Sponsored by Exclusio Interior Clads, your wall's aesthetic protection. राजपूत समाज विजयवाड़ा का चतुर्थ वार्षिक स्नेह मिलन समारोह हर्षोल्लास से संपन्न। स्थानीय अमरावती कन्वेंशन हॉल में राजस्थान राजपूत समाज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के तत्वाधान में राजपूत समाज का चतुर्थ वार्षिक स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर देश भर से पधारे हुए अतिथियों सहित चढ़ावों के लाभार्थियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार केसरिया साफा और फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर वार सिंह जी दहिया, वरिष्ठ आरएएस अधिकारी, युवा भाजपा नेता टीकम सिंह राणावत, महेंद्र सिंह तुरा सहित पधारे हुए अतिथियों ने समाज को संबोधित करते हुए कहा, समाज में शिक्षा और संस्कारों पर बल और सामाजिक एकता और समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर आपसी समन्वय पर जोर देना चाहिए। इस अवसर पर 2024 वार्षिक कैलेंडर का विमोचन और शिक्षा में अव्वल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विजयवाड़ा, नव भारत समाचार से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट। कार्यक्रम जो काम है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं वापस कैसे सिंह विजयवाड़ा संपूर्ण आंध्र प्रदेश का ये आज संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जो बाल प्रतिभाएं हैं, जो भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको पुरस्कार वितरण किया गया और शांतिनाथ जी महाराज और कनक दुर्गा देवी के मंदिर के निमित्त आज यहाँ चढ़ावे भी बोले गए और पूरे प्रदेश से और बाहर से भी जो आए हुए लोग थे, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से भी समाज बंधु यहाँ आज शामिल हुए और बहुत ही उत्साह का संचार हुआ और आने वाले समय में समाज के उत्थान के लिए क्या कार्य किए जाने हैं उसकी रूपरेखा भी यहाँ तय की गई और आने वाले समय में इस तरह के सम्मेलन होते रहेंगे। जिस तरीके से आज विजयवाड़ा में ये राजपूत समाज द्वारा प्रोग्राम रखा गया था, उसमें सभी आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु से, कर्नाटका, पूरे साउथ से राजपूत समाज के लोग आए, उन्होंने भाग लिया और सभी ने बहुत ही जो वक्ता थे वहाँ, उन्होंने सभी ने शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया और आज के जिस तरीके से वातावरण है इसके हिसाब से बच्चों के अंदर कैसे संस्कार दिए जाए और बच्चों के साथ कैसे भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय बिताया जाए, इस पर सभी ने बात की और समाज के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसी हिसाब से प्रवासी बंधु यहाँ रहते हैं तो किस तरीके से सभी लोगों के साथ मिलकर एक घुलमिल, एक भाईचारा का एक संदेश कैसे दिया जाए, इस पर सभी जो समाज के वक्ता थे उन्होंने जोर दिया और ये उस पर मंथन किया, इसी पर समाज आगे प्रगति की ओर काम करेगा। समाज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के तत्वाधान में हमारे यहाँ पे चतुर्थ वार्षिक स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया था,
जिसमें देश भर से सैकड़ों मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि व समाज बिंदुओं ने भाग लिया। आज यहाँ पे मारवाड़ से भी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में वार सिंह जी और तिकम सिंह जी पधारे, और साउथ में जितनी भी कमेटियां बनी हुई है, बेंगलोर, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, उन सभी के हमारे राजपूत समाज के अध्यक्ष या उपस्थित थे, वो पधारे थे। उन सभी का मैं हमारे समस्त राजपूत समाज विजयवाड़ा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला, यहाँ पधारे, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उम्मीद है आप सबका ये स्नेह और सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।